आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे इंग्लैंड के खिलाड़ियों से कुलदीप यादव बातचीत करते हुए, और कुलदीप यादव की वो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, यादव जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं उनसे बातचीत करते हुए और उनके साथ सीधे जो है वो बस में सवार होंगे। बस में सवार होने से पहले तमाम खिलाड़ी एक अच्छी तस्वीर आपको रांची से देखने को मिलेगी। दोनों ही टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है और ये सबसे सवाल सबसे युवा खिलाड़ियों में से एक जिसने पूरे टूर्नामेंट में सभी को प्रभावित किया है, और उसके बाद से न्यूजीलैंड इंग्लैंड के जो खिलाड़ी हैं वो भी आप सीधे एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए और सभी को विशेष रूप से बिठाकर यहाँ से सीधे एयरपोर्ट ले जाया जाएगा। अगर हम एयरपोर्ट की से सीधे होटल की बात करें तो होटल में विशेष तरीके से इनका स्वागत किया जाए, इनके स्वागत को लेकर जिस तरीके से अक्षर पटेल आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, एक और नौजवान युवा खिलाड़ी जिसके प्रदर्शन इस पूरे टूर्नामेंट में बेहतर रहे हैं, और वो तमाम खिलाड़ी जब वो भी आपको यहाँ एयरपोर्ट के बाहर दिख रहे होंगे। जब सभी खिलाड़ी आप देखिए अपने लगेज और बैगेज को पहले बस में रखते हुए और वहाँ से सीधे फिर वो बस में सवार होंगे, दो अलग अलग बसें लगाई गई हैं, दोनों में दोनों की टीमें जो है वो बैठ कर निकलेंगे। फिलहाल जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं वो भी अब यहाँ पर बाहर निकल गए हैं। हमने आपको पहले ही बताया कि सभी खिलाड़ी जब यहाँ से निकले हैं और सीधे रेडिशन ब्लू जाएंगे तो रेडिशन ब्लू में झारखंडी अंदाज में इनका स्वागत भी किया जाएगा। रेडिशन ब्लू में खादी का गमछा, खादी का शॉल इन्हें दिया जाएगा और उसे देकर इन्हें सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा जो झारखंड के जाएंगे और सभी खिलाड़ियों का एक भव्य स्वागत राजधानी रांची में आपको देखने को मिलेगा, और इसी की जो तैयारी है वो राजधानी रांची पिछले कुछ समय से कर रहा था, और आज वो मुकम्मल समय आया है जब सभी खिलाड़ी यहाँ पर पहुंचे हैं। कल और परसों का दो दिन का वक्त रखा गया है जब सभी खिलाड़ी एक दफा उनके फोन पर देख लीजिए, हालांकि सभी खिलाड़ी अब यहाँ पर मैदान एयरपोर्ट से निकल चुके हैं, रास्ता जो ऑफिसर वो भी यहाँ पर निकल चुके हैं, इसलिए हमने जाएंगे और बस में जाने के बाद हमने आपको पहले ही बताया कि सवार होकर यहाँ से रेडिशन ब्लू के लिए निकल जाएंगी सारी टीमें। तो ये तस्वीर रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ इस वक्त इंडियन टीम के जितने खिलाड़ी हैं वो सरफराज खान को भी देख सकते हैं। बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन जब जेएससी मैदान में इस तरीके का आयोजन हो रहा है और सभी खिलाड़ी